आज थाने से फोन आया था। मतलब मेन मैं सोची मैं आप लोग से थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि मुझे भी क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग से मुझे काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहा है। हमारे उस एरिया में टिकरापाड़ा थाना आता है, तो अब मैं फिर से जाऊँगी, जाके बोलूँगी सर बस ड्रेस नहीं है क्या, आप सेम सेम ड्रेस पहन के वीडियो वगैरह बनाते हो। और अब देखना, और अब जब मैं नए कपड़े अब मैं खरीदूँगी, खरीद के पहनूँगी ना, तो वही लोग जो मेरे को टॉन काटे थे ना, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या कि कपड़े को रिपीट करती हो, तो वही लोग अब आके क्या टॉन करेंगे जानते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन अभी बहुत एक्साइटेड है वोट जाने के लिए, देने के लिए। बोलती है वोट का बूथ इतना सुंदर बना है जैसे मानो किसी की शादी हो रही है। तो मैं तो वोट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा जो नाम है राशन कार्ड में वो लोगों के घर का एड्रेस का है, मेरे ससुराल का है, तो सब चीज़ उधर ही आने से, अभी हमारे सीजी में वोट आप लोगों को पता है, तो आने से उन लोगों के घर में आया, तो मेरा तो वोट देना होगा नहीं, नहीं तो मैं भी वोट ज़रूर देती। और वैसे पापा का तबीयत सही नहीं रहता, काफ़ी एज भी हो गया है, तो पापा बहुत ले दे के मेडिकल रिपोर्ट वगैरह पापा का जमा हुआ, उसके बाद कैंसल हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं एकदम, जिनका भी रिटायरमेंट होने ही वाला होता है एक आध साल में, उन लोगों को वोट की ड्यूटी नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो जान नहीं पाते, सीख नहीं पाते, एज भी काफ़ी हो जा रहता है, थोड़े से उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लग जाती है धीरे धीरे। और सबसे रेशो क्या हुआ, सबसे मेन है कि वो बीमार रहते हैं। अभी जो इतने सारे न्यू जनरेशन में यंग शिक्षा कर्मी है, उन लोगों को लगवाना चाहिए, वो काम भी सीखेंगे आगे क्या। मेरे एक पुराने वीडियोस पे अभी मतलब न्यू नहीं पुराने वीडियो शायद कोई देख रहा होगा, तो उसने कमेंट किया कि रेशो कि आप आपके पास ड्रेस नहीं है क्या, आप सेम सेम ड्रेस पहन के वीडियो वगैरह बनाते हो। तो मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो नहीं है मेरे पास ड्रेस, मेरे पास घर में पहनने के लिए 3-4 कपड़े हैं, कुर्ते वगैरह है, मेरे पास नहीं है अच्छी ड्रेस घर में पहनने के लिए, 3-4 ड्रेस है मेरे पास, उसी को रिपीट कर करके पहनते रहती हूँ और घर के ब्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो घर के ड्रेस में ही आप लोगों को दिखूंगी। और सलवार सूट भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अच्छे सलवार सूट मेरे पास वो भी 4-5 ही है, ज़्यादा नहीं है। और जीन्स है मेरे पास, जीन्स भी शायद 3-4 है, और टॉप 2 है मेरे पास, और साड़ियाँ 3-4 है, बस इतने गिने चुने ही कुछ ड्रेस है मेरे पास, ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है। तो मेरी बेटी के पास बहुत सारा ड्रेस है, देखो कैसे ब्लॉग शूट करूँगी। मेरे पास नहीं लेने के पीछे भी ड्रेसेस वगैरह नहीं लेने के पीछे भी एक रीज़न है, मैं कहीं घूमने जाती नहीं हूँ, दिन भर घर में रहती हूँ, तो इसलिए मैं ड्रेसेस वगैरह नहीं लेती हूँ, कि मतलब मुझे पैसा सेविंग करने थे तो मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ लेती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है, ना कहीं घूमने जाती हूँ ना कहीं बाहर जाती हूँ, दिन भर मतलब घर के अंदर रहती थी, तो घर के अंदर बैठ के ब्लॉग वगैरह बनाना होता था, तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगी ज़्यादा कपड़े लेके, खरीद के क्या करूँगी। देखिए कपड़े अगर खरीदते हैं ना हम लोग, तो वो एक बैग के अंदर पैक ही रहता है, जो बाहर जाते हैं घूमते फिरते पार्टियाँ करते वीकेंड मनाने जाते हैं हॉलीडेज पे जाते हैं वो खरीदते वो यूज़ हो जाता है, बट मेरा तो वैसे बैग के अंदर ही पकड़ा रहेगा। मैं सोची तो वो पैसे मैं अगर सेविंग करूँगी तो मेरी फ्यूचर में काम आएंगे, इसलिए कभी खरीदती नहीं थी। बट अब जब मैंने अपना मतलब मैं दिमाग में अपना एक प्लान अलग ही प्लान बनाई हूँ ब्लॉगिंग को लेके, कि अब मैं जैसे वापस जाऊँगी दिवाली के बाद रायपुर में, तो मैं बाहर जाऊंगी, तो उसके लिए थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े होना भी ज़रूरी, नहीं तो मेरे सारे ब्लॉग में आप लोग को सेम कपड़े रिपीट होते आप लोग को दिखा होगा। जब मैं मेरा जीन्स पहनी थी तो मुझे 2-3 लोग बोले थे तुम्हारे पास क्या बस एक ही जीन्स है क्या, तुम बस एक ही जीन्स रिपीट करते रहती हो, तो मेरे पास जो है मैं वही ना पहनूंगी, ये बताइए। अब नहीं है तो कहाँ से पहनूंगी, कहाँ से लाऊंगी, पता नहीं लोग समझते नहीं है। और एक चीज़ है, जिसके पास नहीं होता है ना तो लोग उसको टॉन्ट ज़रूर करते, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो मेरे पास नहीं है करके मैं नहीं पहनती हूँ। और अब देखना, और अब जब मैं नए कपड़े अब मैं खरीदूँगी, खरीद के पहनूंगी ना, तो वही लोग जो मेरे को टॉन्ट काटे थे ना, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या कि कपड़े को रिपीट करती हो, तो वही लोग अब आके क्या टॉन्ट करेंगे जानते हैं। देखो पैसा बचा नहीं सकती है, बस कपड़े खरीदती रहती है, यही लोग आकर फिर टॉन करेंगे, नहीं खरीदो तो नहीं अधिकारी बोलते हैं, और जब खरीदूंगी तो बोलते पैसा वेस्ट करती हूँ, लगता है मुझे ब्लॉग बनाने नहीं देगी वो।
यहाँ पे आके ज़्यादा मम्मक करती, ज़्यादा पीछे पीछे घूमती, वहाँ पे तो थोड़ा कम ही घूमती थी। तो मैं कहाँ पे थी, हमें कपड़ों में थी, तो इसलिए मैं अभी अपने लिए दो कपड़े ऑर्डर करूँगी। मतलब एक जैकेट रहेगा, मतलब दोनों जैकेट ही रहेगा, दो जैकेट ठंड के लिए और दो सलवार सूट खुद के लिए ऑर्डर करूँगी। अच्छे से रहूँगी, अच्छे कपड़े वगैरह पहनूँगी, अपने आप को अच्छे से रखूँगी, तो वो सामने वालों को भी अट्रैक्ट करता है देखने के लिए। तो अब मुझे इस चीज़ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और भी अलग अलग ब्लॉग्स देख के मुझे सीखना पड़ेगा किस तरीके से क्या मैनेज करना है, किस तरीके से हर चीज़ को इम्प्रूव करना है। बोलते हैं कि जब हम किसी का ब्लॉग्स देखते हैं ना, किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है हम उनसे सीखते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है। मैं भी ऐसे काफ़ी कुछ कुछ जब मैं स्टार्ट में ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी थी, मैं काफ़ी ऐसा ब्लॉग देखा करती थी कि जिससे मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ मेरे ब्लॉग्स में, वीडियोज़ में। लेकिन अब तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे फ़ोन लेके बैठती हूँ ना, तो फ़ोन से मेरा एक काम रहता है, वीडियो को एडिट करो, थंबनेल बनाओ, ये बनाओ, बहुत बिजी है। दोस्त और दो ब्लॉग को डालने की कोशिश करती हूँ, जिस दिन नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है दो ब्लॉग आ जाता है, नेटवर्क ख़राब रहता है बस एक ब्लॉग आता है। कि मैं हमेशा कम बजट में, मतलब कम पैसे में, जहाँ मुझे अच्छा क्वालिटी का सुंदर दिखने वाला कपड़ा मिले मैं वो लेती हूँ। मैं ज़्यादा महंगा हाई फाई, मतलब 1,000, 2,000, 3,000 उतना हाई फाई में मैं नहीं जाती हूँ अभी। पहले तो पापा लोग दे देते थे महंगा, बट अभी इस वक्त रिशू होने के बाद मैं खर्चे बहुत कम कर दी हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचती उतना हाई फाई। मैं आज तक जितने भी कुर्ते मंगाई हूँ, कभी हॉल की हूँ, तो आप लोग देखे होंगे 400, 350, 500 के अंदर ही रहता है। तो अभी भी कोशिश करूँगी कि 500-800 के अंदर में ही लूँ, क्योंकि ज़्यादा तो पहनना होता नहीं है, ब्लॉग के पर्पज़ से ही ले रही हूँ। आज थाने से फ़ोन आया था, मतलब मेन मैं सोची मैं आप लोग से थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि मुझे भी क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग से मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है, राय मिलता है। देखिए अभी मेरे पास टिकरापाड़ा थाना से फ़ोन आया था आज, कि मैंने जो कंप्लेंट डाली थी ना चैनल को लेके, कि चैनल मेरी डिलीट हो चुकी है और वीडियोज़ में रिपोर्ट आ रहे हैं, तो उसी के पर्पज़ से जस्ट अभी फ़ोन आया था। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि आपने जो कंप्लेंट डाली थी तो आपका कुछ रिकवरी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने तरफ से काम किए हैं। तो मेरी बहन फिर आगे बात की, क्या बोले, एक्चुअल में वो अंधेरे में बैठी है तो बोलती है, तो वहाँ से मुझे दिखा रही है, मतलब हम दोनों ने कंप्लेंट डाला था ना, क्योंकि मैं चैनल पर रिपोर्ट कर रहा था और इसके चैनल पर भी रिपोर्ट कर रहा था, मतलब जो मेरे हस्बैंड है, तो उसी के पर्पज़ से फ़ोन किए थे कि आप लोग के चैनल पे अभी रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम उस पर आगे कंप्लेन को और आगे लेके गए हैं। तो फिर मैं बोली, सर मेरा तो चैनल ही डिलीट हो चुका है। तो बहन बोली कि नहीं, मेरे चैनल पे अभी रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं फिर से जाऊँगी टिकरापाड़ा थाना, जहाँ पर मैं रहती हूँ, हमारे उस एरिया में टिकरापाड़ा थाना आता है, तो अब मैं फिर से जाऊँगी, जाके बोलूँगी सर मेरा जो सेकेंड चैनल है उसमें रिपोर्ट आता है, क्योंकि फर्स्ट चैनल तो डिलीट हो चुका है। और उन्होंने कहा कि वो आगे कंप्लेन को आगे बढ़ाए हैं, मतलब कंप्लेन को आगे बढ़ाया मतलब आउट ऑफ सीजी गया है वो। चलो एक चीज़ तो मैं बोली ना कि ये सब काम में काफ़ी लेट लगता है, सरकारी काम है ये सब चीज़, और एक केस तो होता नहीं है, एक थाने में हज़ारों केस होते हैं। तो धीरे धीरे इन लोग एक एक करके एक एक केस को पकड़ते हैं और उसमें काम करते हैं। सोच में कब कंप्लेन की थी, 6 महीना हो गया, तो 6 महीने बाद आज पहली बार उन्होंने फ़ोन करके बोला है कि आपके जो आपने जो शिकायत किया है, उस शिकायत को हम अभी आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मेल आईडी वगैरह हर चीज़ देके आई थी। अब पता नहीं इसका रिपोर्ट आने में कब तक लगेगा। तो मैं वही बोली कि जिस चैनल पे रिपोर्ट आ रहा था वो तो डिलीट हो गया, और बहन का चैनल सेफ है बट रिपोर्ट आ रहा है, मतलब अब नहीं आता ना तेरा, अब नहीं आता उसके में, लेकिन मेरा आ रहा है, जो मेरा सेकेंड चैनल है उसमें आ रहा है। चलो बढ़िया, अब मैं फिर से जाके सेम कंप्लेंट फिर से करूँगी और बोलूँगी सर आपने जो मेरे पहले रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है, तो जो सेकंड चैनल का भी रिपोर्ट करी उसको भी आप लोग प्लीज़ साथ में आगे बढ़ा दीजिए, ताकि कम से कम पता तो चले कि सेकंड चैनल में भी कुछ कुछ मेल आईडी से कमेंट आता है, गलत कमेंट आता है, और ये सारे मेल आईडी मैं उठाऊँगी। और खैर अभी तो मेरे पास कुछ मेल्स वगैरह अभी नहीं आते, पहले आते थे, और वो मेल किसी लड़के ने नहीं किया, आप लोग बता दूँ, वो मेल मुझे लड़की ने किया है, ये भी हो गया है। दूसरी चीज़, सब चीज़ें मुझे पता है, और अभी जो कुछ कुछ
मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आता ना कुछ कुछ मेल आईडी से, वो मेल आईडी में मैं साथ में जोड़ दूंगी, क्योंकि ये मेल आईडी कौन से फ़ोन से जनरेट हुआ है या कौन से लैपटॉप से जनरेट हुआ है, किस एरिया में ये बना है, उस फ़ोन का मोबाइल का आईपी एड्रेस आ जाता है और वो आईपी एड्रेस किसके नाम पे है ये भी पता चल जाता है। मुझे इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज पहले कभी नहीं था, जब मैं पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की ये सब चीज़ें दी तब मुझे वहाँ से पता चला। अच्छा और एक बार बताती हूँ, एक ही जब एक मतलब एक ही इंसान अलग अलग आईडी बना के मुझे कमेंट कर रहा था ना, तो मैं सोची थी कि ये दो तीन लोग कौन ऐसा कमेंट करते, फिर जब मुझे पता चला कि एक ही इंसान है जो अलग अलग मेल आईडी बना के कमेंट कर रहा है, उसका नाम मैं यहाँ पे लूँगी नहीं क्योंकि मैं उसको जानती हूँ अच्छे तरीके से, और मैं उसका नाम लेके उसके यहाँ पे फेम नहीं देना चाहती, सीधी बात, उसके उसका एक्शन मैं अपने तरफ से लूँगी। लगता ये सारा चीज़ और अच्छा नहीं लगता, पता है पैसा बड़ी बात नहीं है, पैसा तो जा रहा है, लेकिन ये जो टाइम बर्बाद हो रहा है, जो समय बर्बाद हो रहा है ना, कि इंसान का ना मेंटली हालत ऐसी ख़राब कर देता है, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। क्योंकि देखिए मेरे पास तो, मैं सही बताऊँ, मेरे पास सारे सबूत है, सबूत से भी भरकर सबूत है, इनफ से भी ज़्यादा सबूत है, डोमेस्टिक का सबूत है, मारपीट का सबूत है, गाली गलौज का सबूत है, अफेयर्स का सबूत है, वीडियो है, मैंने जितनी भी क्लेम किया फिर मेरा सामान लेके भाग गया था वो सबूत है, सारा चीज़ का मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, फोटोज़ है, हर चीज़ है। तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता उनको करना है, उनको समझना है, गलत उन्होंने किया है, ऊपर से मेरा बद्दुआ भी उन लोगों को लगा हुआ है। हर चीज़ समय के साथ होगी, समय के पहले कुछ भी नहीं होता। सोचो मैं कब का कंप्लेन की थी, 6 महीने हो गए, आज ही लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, है ना। तो अब इस पे मैं काम करूँगी, क्योंकि इतना मेहनत से बनाए हुआ चैनल मेरा, जिसमें मेरा अब तक शायद 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता, मेरा शायद सिल्वर बटन भी अब तक आ जाता, वो चैनल उन्होंने डिलीट करवाया। वहाँ पहुँचने में मैं जानती हूँ वहाँ मैं कितने मेहनत से पहुँची थी। आप लोग मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, हर चीज़ मेरे साथ है, और बोलते ना कि सच परेशान हो सकता बट हारता कभी नहीं है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं हारूंगी। अगर मैं डंके के चोट में यहाँ पे इस सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म में हर चीज़ कह रही हूँ, तो उस अभी तो कह नहीं रही हूँ ना, सारा सबूत लेके बैठूँ तभी ना कह रही हूँ, क्योंकि कल को मुझे कभी बोल सकता चल सबूत दिखा, तू किस बेस पे ऐसा बोल रही है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलती हूँ और साथ में सबूत भी डाल देती हूँ, और जब जब सबूत डालती हूँ तब तब वीडियो को रिपोर्ट कर दिया जाता है और डिलीट कर दिया जाता है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करने वाली हूँ, और क्या क्या ऑर्डर करूँगी वो जब वो आएगा तभी मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। वैसे हमारे एरिया में 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाता है सामान, होप सो दिवाली के पहले आए तो दिवाली में मेरा एक न्यू ड्रेस हो जाएगा। बस वही लोग मत आना कमेंट करने के लिए कि पैसे नहीं बचाती है, खर्च कर देती है, घर पे हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं अगर घर पे हूँ तो मुझे जो मेरी सेविंग्स के पैसे हैं मैं मुझे वो खर्च करने पड़ेंगे, आप लोगों को लगता है? नहीं ना, घर में हो तो ऑब्वियसली बात है पापा ही देंगे और कौन देगा, है ना। तो इसलिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करना, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव कमेंट करो। कोई इंसान अगर कुछ चीज़ खरीदता है ना, उसको अप्रिशिएट करो, उसको उसकी खुशी में खुश हो जाओ। आप लोग क्या मिलता है थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट, दुख वाला ऐसा वैसा कमेंट करके। मैं अगर अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, पहन पा रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो उसमें तो खुश होना चाहिए ना कि चलो ठीक है, बेचारी अपने लिए कुछ लेती नहीं है बट ले रही है, खरीद रही है, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े पहन रही है। आप लोग उस ब्लैक ड्रेस में पता नहीं मेरे कितने ब्लॉग दिख जाएंगे, ब्लैक पिंक बेबी पिंक, ए वो कत्था वत्था ड्रेस में वही आप लोग को दिखती हूँ मैं, तो खुश होना चाहिए ना, चलो ठीक है ले तो रही अपने लिए। चलिए आप लोग से मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, अब मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।